चलिए हम लोग प्रेशर को आगे बढ़ाते हैं। प्रेशर को इस तरीके से आगे बढ़ाना है, प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर आता है, फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स आप अप्लाइड करते हैं, एरिया ओवर विच फोर्स एक्स, एरिया जिस पर फोर्स एक्स लग रहा है उस एरिया पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसा कि हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा डिस्कस में, देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इस फॉर्मूला से तो एक बात या दो बात क्लियर है, जो प्रेशर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऊपर है सामने सामने जो नीचे है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटैक्ट एरिया। कहने का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है आप जितना फोर्स लगाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, फोर्स कम करेंगे प्रेशर कम होगा। एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज, एज वी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ फोर्स प्रेशर विल ऑल्सो डिक्रीज। दैट मीन्स फोर्स को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, उसी का तो मतलब हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जैसे घटाएंगे भी घटेगा। लेकिन यहां उल्टा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंटैक्ट एरिया का मतलब यह हो गया कि एरिया यदि बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होगा, एरिया यदि घटाते हैं तो फोर्स अधिक होगा। उल्टा रेशियो है, उल्टा रेशियो का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ढेर सारा एग्जांपल्स के द्वारा इस दोनों एग्जांपल्स को बताया जा सकता है। कहने का मतलब है एज वी इंक्रीज द एरिया प्रेशर विल डिक्रीज, एज वी डिक्रीज द एरिया प्रेशर विल इंक्रीज। एग्जांपल्स में आइए, अगर कंप्लीट नहीं समझ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है उल्टा अनुपात, वो बढ़ा तो हम घटेंगे, वो घटा तो हम बढ़ेंगे, ऐसा है। यहां लेकिन सीधा अनुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो जैसे है वैसे हम चलेंगे, इसका मतलब हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सिर्फ रेसिप्रोकल में दिखाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। आइए एग्जांपल दिया हुआ है, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। आप स्कूल बैग जो हम लोग कंधे पर आप लोग लेकर चलते हैं, आप उसके बैग का जो देखिए, ये जिस बैग पर कंधे पर रहता है उसका जो रहता है वो चौड़ा होता है, स्ट्रैप्स वाइड, स्ट्रैप्स वाइड होता है। क्यों? क्योंकि एरिया यदि ज्यादा होगा तो यहां पर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। आप सोचिए ना, उसके बदले में एक छोटा सा पतला सा रस्सी दे दे तो चुभेगा, क्योंकि जैसे एरिया घटा प्रेशर बढ़ेगा, तकलीफ होगी इस वजह से। एंड इसे वाइड स्ट्रैप रखा जाता है ताकि प्रेशर कम, क्योंकि वाइड स्ट्रैप मतलब आपने एरिया बढ़ाया, और जब एरिया बढ़ाया तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया बढ़ाने की वजह से प्रेशर कम होगा। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है, ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ को देखेंगे, नाइफ दैट मीन सूरी, वो नाइफ में जो है एरिया बहुत कम होता है, एरिया कम होने की वजह से वो अच्छे से प्रेशर लगाता है, कटता ठीक से। यदि वही ब्लंट नाइफ हो, ब्लंट मीन्स भुथरा चाकू हुआ, ब्लंट राइट हुआ, तो ब्लंट राइट क्या होता है, उसमें धार मोटा हो जाता है, और जब मोटा हो गया दैट मींस एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम होगा तो घटेगा नहीं, मुश्किल से घटेगा। और ए टिप ऑफ नीडल इज शार्प, नीडल देखें, कांटी को नीडल बोलिए ना, ऐसा बात, ये जो टिप होता है ये शार्प क्यों होता है, एरिया कम रखा जाता है ताकि यदि हम इस पर फोर्स लगाएं, एरिया कम की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा। दीवार में यदि कील देते होंगे तो बताइए कील कैसे दीवार में लगाते हैं, इसको दीवार पर रखते इधर से हथौड़ी लगाते हैं, बिल्कुल नहीं, इसको दीवार पर रखते हैं इधर से हथौड़ी लगाएंगे, ताकि यहां एरिया कम है तो प्रेशर अधिक होगा और दीवार में धसेगा। या कोई ब्रिज बनता है, ब्रिज में जो खंभा लगाते हैं दैट मीन्स उसमें जो पोल लगाया जाता है, पाया जिसको बोलते हैं, और वहां पर इस तरीके से अंदर में और भी जाते, इस तरीके से अंदर और नीचे जाएंगे और इस तरीके से, क्योंकि बेस पर ज्यादा प्रेशर होगा और एरिया यदि बढ़ा दिया गया बेस का नीचे का, इस हिसाब से वहां प्रेशर कम होगा और वो खंभा धसने से बचेगा। घर भी बनाते हैं, घर का बेस चौड़ा रखा जाता है, क्यों, क्योंकि एरिया अगर बढ़ा दे तो प्रेशर कम लगेगा, घर टिकेगा, गिरने से बचेगा। दैट मीन्स ट्रैक्टर लीजिए, ट्रैक्टर का देखे होंगे, या बड़ी बड़ी गाड़ियां,
इसमें ट्रैक्टर का चक्का चौड़ा होता है या बड़ी बड़ी गाड़ियां डबल डबल चक्का रहता है, जोड़ा में रहता है, पेयर में रहता है उसमें व्हील। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से एरिया वो बढ़ा लेता है, एरिया यदि बढ़ा ले तो प्रेशर कम लगेगा और टायर फटने से बच जाएगा। और ट्रैक्टर एरिया ज्यादा होता है चक्का का, इस वजह से वो कीचड़ में भी दस्ता नहीं है, जितना प्रेशर होना चाहिए उतना प्रेशर घट जाता है। यानी एरिया को बढ़ाकर प्रेशर को घटाया जा सकता है, एरिया को घटाकर प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। दलदल वाली जमीन पर, दलदल समझते हैं, जहां कीचड़ होता है, कीचड़ और पानी का मिक्स होता है, वहां पर अगर आप खड़े होकर चलेंगे, चूंकि आप पैर पर चल रहे हैं, जब पैर पर चल रहे हैं तो आप समझिए वहां पर पैर का एरिया कम है, वहां आप धसेंगे। यहां पर एक समझिए, सीखिए कि यदि दलदल वाली जमीन मिल जाए और आप धस रहे हैं तो सीधा लेट जाइए। आप लेट जाइए का मतलब है, अगर आप खड़े थे तो आपके पैर का एरिया इतना था मात्र, जब आप लेट गए तो लेट गए का मतलब क्या, सो गए उसी जमीन पर, तो आपके शरीर का एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगेगा, आप धसेंगे नहीं, जान बच सकती है। ठीक, और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। आप सोचिए कि जब हम लोग खड़े हैं और जब हम लोग चल रहे हैं, और खड़े हैं और जब हम लोग चल रहे हैं, तो किस स्टेट में ज्यादा प्रेशर जमीन पर लगता होगा, सोचिए। इसमें एग्जांपल, इसमें आंसर ये होगा, जब हम लोग खड़े हैं तो दोनों पैर पर खड़े हैं, जब आप चलते हैं, चलकर देख लीजिए, चलने वक्त हम लोग सिर्फ एक पैर पर यानी प्रेशर होता है, ऐसा नहीं कि दोनों पैर रख कर इस तरीके से चलते हैं, ऐसा तो नहीं। जब भी चलते हैं तो हमेशा प्रेशर एक ही पैर पर, एक पैर हवा में रहता है, फिर दूसरा रखते हैं, उठाते हैं, इस तरीके से चलने वक्त प्रेशर सिर्फ एक पैर पर होता है, और खड़े होने वक्त दोनों पैर पर। दैट मीन्स जिस समय चलते हैं तो एरिया घट गया एक ही पैर का एरिया, और जिस समय खड़े हैं दोनों पैर का एरिया बढ़ गया, माने चलने वक्त एरिया घट जाता है, प्रेशर जमीन पर अधिक लगता है, और जिस समय आप खड़े हैं उस समय ज्यादा एरिया पे है, प्रेशर जमीन पर कम लगता है। और दूसरी बात, एग्जांपल्स तो ढेरों दिए जा सकते हैं, एग्जांपल्स की कमी नहीं है। आप समझिए कि मानकर चलिए एक फ्लैट जमीन है, तख्ता समझते हैं, तख्ता लकड़ी वाला, इसमें क्या किया गया, नीचे से कील इस तरीके से निकाल दिया गया बीच में, और किसी पर्सन को आकर के लेटा दिए, तो बताइए कील धसेगा, शरीर में चुभ जाएगा, यदि इस पर कहेंगे लेट जाइए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बेड पर कील भरा पड़ा है सिर्फ, यानी कील का ही बेड है, समझिए आसानी से है, तो कहने का मतलब है यानी पूरा एकदम कील इस तरीके से बहुत सारा निकला हुआ है एकदम यूनिफॉर्मली। अब आप इस पर धीरे धीरे आसानी से लेट सकते हैं, जिस समय सिंगल था बहुत मुश्किल था, एरिया कम था प्रेशर ज्यादा होगा, और ज्यादा हो गया तो एरिया बढ़ गया प्रेशर कम लगेगा, इस तरीके से आसानी से। ऐसे भी हम लोग एग्जांपल्स में समझ सकते हैं, मैं एग्जांपल्स में दिखा दूं, एक एग्जांपल्स आप यहाँ पर कुली को देखिए, आप ही अपने माथे पर कोई बोझा उठाते हैं, देख रहे ना, दैट मीन्स देखिए इसको अगर दिख रहा होगा, तो कहने का मतलब जब हम लोग बोझा उठाते हैं तो क्या करते हैं, टॉवल से इस तरीके से बांधते हैं। क्यों बांधते हैं टॉवल से, क्योंकि इस वजह यह है, अगर हम खाली माथा पर लेंगे, इस तरीके से हेड पर लेंगे कोई भी सामान, बक्सा टाइप वगैरह कुछ भी, तो एरिया कम होगा, आप छूकर देख लीजिए, एरिया कम होगा तो माथे पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे हम लोग, सॉरी, सॉल्यूशन ये है कि इस तरीके से हम लोग जिस तरीके से टॉवल को बांध लेते हैं एरिया बढ़ जाता है, और जैसे सामान उठाते हैं एरिया अगर बढ़ गया तो माथे पर प्रेशर कम लगेगा, आप आसानी से उठा पाएंगे। दिमाग में चलिए, आप कभी नानी घर गए हो तो उस समय आप बैग लेकर के इस तरीके से, बैग जो होता है बैग जिसमें सामान पूरे फैमिली का आता है, सामान पूरे फैमिली का आता है, और उस समय क्या करते हैं हम लोग, बड़ा सा बैग रहता है, एक हैंडल उस दे देते हैं अपने मम्मी को, एक तरफ से हम उठा रहे, ठीक, मानकर चलिए बैग को उठाए और हाथ में दर्द होने लगता है, उसमें क्या करते हैं, हैंकी निकाल लेते हैं, हैंकी से इस तरीके से पकड़ते हैं और फिर उठाते हैं, ऐसा क्यों, सोचिए, तो वहाँ फिजिक्स है, फिजिक्स ये है जिसमें आप सिर्फ उसके हैंगर को या जो पकड़ने वाला था हैंडल उसको पकड़ रहे थे, तो उसका एरिया कम था तो हाथ में चुभता था, तकलीफ होती थी, जैसे टॉवेल दे दिए या रुमाल से पकड़ रहे हैं, अब एरिया बढ़ गया, उठाने में सहूलियत होता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो हाथ पर प्रेशर कम लगेगा।
बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की कमी नहीं, बट आप इतना समझेंगे फोर्स को यदि बढ़ाया जाए तो प्रेशर भी बढ़ेगा और फोर्स घटाया जाए तो प्रेशर भी घटेगा एज लाइक। और यदि एरिया में उल्टा अनुपात है, एरिया बढ़ा दे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटा दे तो प्रेशर बढ़ेगा। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक था, हम लोग प्रेशर के टॉपिक्स को डील कर रहे थे। इस दो बात पर, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। और सभी में वाई वाई लगा कर क्वेश्चन दे दे कि क्यों होता है स्कूल बैग्स का स्ट्रैप्स वाइड, आप लिख सकते हैं। और क्यों होता है, क्यों शार्प नाइफ से काटना बेटर होता है ब्लंट नाइफ के रिस्पेक्ट में, और नीडल का जो टिप है वो शार्प क्यों रखा जाता है, ये सभी क्वेश्चंस आप खुद से भी लिख सकते हैं। और अपने मन से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें आप वाई लगाएंगे और उसका दो चार लाइन में आंसर लिखेंगे और कोशिश करेंगे अपने से लिखें। और अगर बुक हो तो रीडिंग दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं उसको आप रिवाइज करेंगे। और आगे प्रेशर को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इतना आप नोट्स कर लीजिए। थैंक यू।